अभी दोस्तों ये रहा जेंसी का परफॉर्मेंस वेट गेनर। ओके, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैंने इसके 2 से 3 वीडियो रिव्यू के डाला भी हूँ, जिसके ऊपर मैंने कमेंट के रिप्लाइज भी किए और रिप्लाइज का वीडियो भी कवर किया है दोस्तों जीएनसी वेट गेनर के बारे में 5 kg का। बहुत से के मोस्टली कमेंट्स ही थे आपका वेट कितना गेन हुआ, ये जोने नहीं के नहीं, मैंने सब बताया वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में दोस्तों हमको एक प्रॉब्लम फेस हुई जो कि जीएनसी को रिलेटेड। ओके, अब वो कैसे फेस हुई वो भी हुआ थे बताऊँ दोस्तों। जीएनसी को मैंने जितना वीडियो बनाया है दोस्तों, जीएनसी को मेरे को जितना रीच मिला है, जितने व्यूज मिले दोस्तों, उसका फायदा मेरे को नहीं मिल पा रहा दोस्तों। वो कैसे वो बताता हूँ। प्रोडक्ट रियल है, जेन्युइन है दोस्तों, मैं खुद अभी बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बोलते आऊँ, प्रॉब्लम क्या था वो बता रहा हूँ दोस्तों। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है दोस्तों कि जीएनसी का मैंने जो वीडियो बनाया, तो जीएनसी का तो मुझे कोई ना मेल आया, ना कोई जीएनसी की तरफ से मुझे कोऑर्डिनेट हुआ दोस्तों, ना कोई जीएनसी की टीम ने मुझे कॉल किया, ना कॉन्टेक्ट किया दोस्तों। ओके, अब ऐसे ही कुछ दिन निकल गए तो मैंने सोचा कि जीएनसी से मैं खुद कॉन्टेक्ट करूँ, ईमेल करूँ और इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू मैं इनसे जीएनसी से कोऑर्डिनेट करूँ, क्या स्पॉन्सरशिप के लिए बात करूँ दोस्तों। क्योंकि कोई भी अगर एथलीट या बॉडी बिल्डिंग कोई ब्रांड का अगर प्रमोशन करता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर वो ब्रांड से वो चाह रखता है या ब्रांड से जुड़ना चाहता है दोस्तों, तो स्पॉन्सरशिप लेना चाहता है, कोलेब्रेशन करना चाहता है। तो सेम दोस्तों मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट मैंने यूज किया वेट गेनर क्रिएटिंग के बाद में, तो वेट गेनर यूज किया जीएनसी का दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि चलो भाई अभी इसे यूज ही कर रहा हूँ मैं, जो कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं दिखे, ना कोई रैशेज आए, ना कोई पिंपल्स वगैरह आए, ना कोई बॉडी में कोई इजिंग वगैरह या कोई पेट की समस्या या कोई अदर जो भी हेयर का प्रॉब्लम या कोई पेट में कोई समस्या कोई भी नहीं आई। मैंने सोचा चलो दोस्तों अब ये अगर मैं फेस कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं इसका प्रमोशन बड़े लेवल पे करूँ दोस्तों। ओके, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसके डिपेंडेड ही वीडियो बनाते रहूंगा दोस्तों, तो आपको आगे की बातें नहीं समझेगी। तो मैंने स्पॉन्सर के लिए उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया दोस्तों। मैसेज के बाद में इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स तो इतने नहीं दोस्तों, तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। तो वहां पे मुझे जीएनसी का मैसेज आता है रिटर्न में कि अभी फिलहाल जीएनसी में ऐसी कोई पोस्टिंग नहीं है, यानी कोई अभी इसी फिलहाल जीएनसी की तरफ जगह नहीं है जो कि मुझे स्पॉन्सर कर सके दोस्तों। तो जैसे ही कोई टीम को जरूरत लगती है या टीम को कोई जगह खाली मिलती है या जीएनसी को खुद लगता है कि आप ब्रांड को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, तो ऐसे टाइम में जीएनसी खुद कोऑर्डिनेट करेंगे मुझसे, ऐसा जीएनसी का मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम के ऊपर दोस्तों। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर देख रहा था दोस्तों, तो एक बंदा दिखा मुझे जिसका मैं वीडियो साइड आउट करवा दूंगा भाई, उसके ना बोलने में यानी बात कर रहा हूँ मैं जितना क्लियर समझता हूँ दोस्तों आपको, उसके बात करने में इतना पॉइंट नहीं है दोस्तों, ना उसकी बॉडी उतने लेवल पे दोस्तों, ना उसके सब्सक्राइबर्स उतने लेवल पे दोस्तों, मगर फिर भी उसका बोलना है रियल है या नहीं मुझे पता नहीं, उसका बोलना है कि उसको जीएनसी ने स्पॉन्सरेट किया, खुद होके स्पॉन्सरेट किया, वो जीएनसी से स्पॉन्सरेट है। ओके, जीएनसी से उसके तरफ से कुछ पैकेजिंग वगैरह भी आया, वो ऐसे अनबॉक्सिंग करके बता रहा है कि उसको क्रिएटिन आया, मोनोहाइड्रेट फ्लेवर अनफ्लेवर और वे प्रोटीन आया, ऐसे बता रहा है दोस्तों। जबकि उसके बात करने में टोनिंग में थोड़ा चेंजेस है जो कि जल्दी समझ नहीं रहा था, बट मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों मैं ऐसे उसे खराब नहीं बोल रहा हूँ, यानी जीएनसी ने उसको खुद होकर कोऑर्डिनेट किया या नहीं किया, या फेक भी बोल रहा है पता नहीं, या उसने खुद ने मंगवाया जीएनसी से खुद ऑथराइजिंग साइट से, बट मेरा बोलना ये कि चलो भाई को मिल गया, ये अच्छी बात है, भाई ग्रो अप करे और ऊपर जाए और उसे बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिले दोस्तों। मगर मेरा बोलना है जीएनसी से, अगर जीएनसी ने रियल में उसे ये दिया है, जीएनसी ने स्पॉन्सरशिप किया है, तो दोस्तों मैं इतना बेस्ट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मुझे रीच जीएनसी की इतनी अच्छी मिली है, मेरे सब्सक्राइबर अच्छे गेन हो रुके और सब्सक्राइबर मुझे देखते भी दोस्तों, कमेंट्स इतने आते हैं दोस्तों कि प्रोटीन कब ले, कैसे ले, जीएनसी का प्रोटीन लेना चाहिए नहीं, जीएनसी का प्रोटीन कब लेना चाहिए, जीएनसी का प्रोटीन रियल है फेक है, रिजल्ट कैसे, इतने मुझे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। तो जीएनसी का कहीं ना कहीं काम है दोस्तों, ऐसे ब्रांड को जब मैं प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्रमोशन के लिए स्पॉन्सरेट के लिए उन्होंने खुद ने मुझे पूछना चाहिए दोस्तों। तो ये मुझे एक पॉइंट थोड़ा खराब लगा जीएनसी का, कि जीएनसी ने अभी तक मुझे कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए था। तो जीएनसी के मैंने 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और मैंने उनको बताया भी इंस्टाग्राम पे क्या भाई, और मैसेज में भी ईमेल आईडी पे कि मैंने आपके वीडियो बना चुका हूँ, रिव्यू दे चुका हूँ, रीच अच्छी है, मुझे कमेंट्स अच्छे आए,
मगर फिर भी जीएनसी कहीं ना कहीं ये बातें अवॉइड कर रहा है, या फिर वो टीम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, या कोऑर्डिनेट करना नहीं चाहती कि क्या बात है पता नहीं। ये वीडियो में बना रहा हूँ दोस्तों, अब अगर जीएनसी का कोई देख रहा है दोस्तों तो जल्द से जल्द इस बात को ध्यान रखे दोस्तों, या और कोई ब्रांड मुझसे कोलैबोरेशन कर जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी बहुत से लोगों बहुत से सप्लीमेंट ब्रांड्स को मेल कर रखा हो स्पॉन्सरेट के लिए। अगर एज इट इज या कोई अगर अदर ब्रांड मुझसे अगर कोलैबोरेशन करता है दोस्तों, तो जीएनसी का नेक्स्ट वीडियो में नहीं बना पाऊंगा दोस्तों। मैं अदर ब्रांड का जो कोलैबोरेशन रहेगा उसके साथ में कोऑर्डिनेट कर लूंगा, उससे बात कर लूंगा, उसके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जीएनसी को उसका एक नुकसान भी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है दोस्तों मुझे देखने वाली, वो वहां पे मुड़ना चाह स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैं दिखाऊंगा, जो कि जिसका स्पॉन्सर मैं करूंगा, मैं यूज करूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे बंदे जो सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्तों, वो मैं चीज दिखाऊंगा जिसमें भरोसा है, जो मैं यूज करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे ऑडियंस भी वहीं पे बुड़ेगी। तो जीएनसी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, और ऐसे जो बंदे रियल में मेहनत कर रहे दोस्तों उनसे स्पॉन्सरेट रहे, जो कि बस आ रहे फेंक रहे कुछ भी बना रहे, उनसे स्पॉन्सरेट ना करे, स्पॉन्सरेट ना दे, जिनको जरूरत है उनको स्पॉन्सरशिप दे दोस्तों खुद होके। आगे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम।